ये है ना, यहां पर आपने कहा वी आर डिमिनिशिंग रूट्स बाय टू। अब बेटा रिमार्क में एक पॉइंट याद रखना, अगर हमें इंक्रीज करना होगा, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है ना दैट इज इंक्रीजिंग आर डिमिनिशिंग द रूट्स, अगर हमें इंक्रीज करना होगा रूट्स ऑफ ए गिवन इक्वेशन, सपोज अगर आपके पास गिवन इक्वेशन है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स रेज पावर एन ए वन एक्स रेज पावर एन माइनस वन डायजेस्ट ए एन इक्वल टू जीरो। अब आप कह रहे हैं कि सर जो इस इक्वेशन के रूट्स है ना दैट इज अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन अप टू से रो, तो आप लोग कह रहे हैं कि सर इस बार हमें इसके रूट्स को इंक्रीज करना है बाय क्वांटिटी एच, किस क्वांटिटी से? तो जो ट्रांसफॉर्मेशन उसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच डायजेस्ट रो प्लस एच, है ना। दिस मीन्स आपने कहा जो वाई होगा वो होगा एक्स प्लस एच बीटा, है ना। तो आप लोगों ने कहा इस वक्त जो एक्स का वैल्यू होगा दैट इज वाई माइनस एच। तो आप लोगों ने कहा सर जब इंक्रीज करना होगा ना देन एक्स को हम रिप्लेस करते हैं, और जब आप लोग को डिक्रीज करना होगा डिमिनिश करना, तो एक्स को हम किससे रिप्लेस करते हैं? तो सिंपल है, आप लोग कहेंगे अगर हमें रूट्स को इंक्रीज करना होगा टू से देन वी विल डिवाइड हियर बाय माइनस टू। मेरे कहने का मतलब समझ में आया? जो आप लोग लास्ट पढ़े ना यू आर सेइंग दैट रूट्स आर एक्सीडिंग मींस रूट्स आर इंक्रीजिंग बाय टू, तो बेटा इसका मतलब हम लोग उस टाइम माइनस टू से करेंगे इसको सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे। अब क्लियर, दैट इज फॉर इंक्रीजिंग एंड दिस इज फॉर डिमिनिशिंग।